डियर फ्रेंड, ये वीडियो मैं जॉब के लिए रिगार्डिंग बना रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि आप लोग जॉब के लिए ट्राई करते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आपको कोई भी बोलता है कि एचआर सिलेक्शन, आपको कॉल करता है, बार बार फोन करके पूछते हैं तो आपका सिलेक्शन हुआ नहीं। आपका सिलेक्शन होने का एक छोटा सा टिप्स है, आप उसको समझिए कि कैसे आपको आपका वैकेंसी या जहाँ पर हो आप वहाँ पर क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं। जैसे जब भी आप किसी जॉब के अप्लाई करते हैं वहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा, सर आई एम अप्लाइंग टू फॉर दिस पोस्ट, करंटली मैं इस पोस्ट पे काम कर रहा हूँ, इस पोस्ट की अप्लाई कर रहा हूँ, और आपका इस बैकग्राउंड है किस कौन सी डिपार्टमेंट में आप वर्क कर रहे हो, एनी अदर डिपार्टमेंट, आप जहाँ भी किसी भी सेक्टर में वर्क कर रहे हो आपको मेंशन करना जरूरी है, उस डिपार्टमेंट का नाम भी मेंशन करना जरूरी है। बहुत सारी बार में आप क्या करते हैं, बस सीवी दे देते हैं, सब फॉरवर्ड सी वी देट माई सी वी, नो मेंशन देयर इज एनी कि आप किस लिए अप्लाई कर रहे हैं, कौन है, क्या है, किसी को पता नहीं पड़ता। तो आपको क्या करना है कि आपको सीवी सेंड करना है, तो सेंड करने के लिए आपको मेंशन करना, डियर सर मैडम आई एम अप्लाइंग दैट पोस्ट दिस पोजीशन और करंटली इस पोस्ट पर मैं काम कर रहा हूँ। तो इतना से अगर आप लिखते हैं तो आपका जो सीवी होगा, आपका सीवी भेजने का जो तरीका होता है, आप उस जॉब के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, ताकि उनको लगता है आगे वाले को कोई मतलब रेस्पेक्टेड आपकी रेस्पेक्ट की जाती है, और जो अगला बंदा है वो आपको रेस्पेक्टेड आपको अप्लाई का जॉब के लिए या कॉल के लिए आपको कॉल कर सकता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जब भी किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो अप्लाई करने के लिए आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किस पोस्ट पर आप काम कर रहे हैं, आपका डेजिग्नेशन क्या है, एनी सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में आप वर्क कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आपका डेजिग्नेशन होगा, उस डेजिग्नेशन में आपको लिखिए कि आपको मैंने डेजिग्नेशन में वर्क कर रहा हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि आपके जॉब के रिगार्डिंग मैंने आपको पोस्ट डाली है। थैंक यू एवरीबॉडी, आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, नहीं पसंद आया तो ना करना, कोई दिक्कत नहीं, एज ए विश। थैंक यू एवरीबॉडी।